आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे डिप्रेशन हो क्यों जाता है, क्या कारण है। तो डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से पांच कारण मैंने सिलेक्ट किए हैं और आपसे शेयर कर रहा हूं। एक तो उसमें सीरोटोनिन, दूसरा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन और सीरोटोनिन ये दो ऐसे केमिकल हैं जो बॉडी में हमारे सारे इमोशंस को हिलाते हैं, ऐसे हम शेक बनाते हैं ना, पूरा हिला देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं आवर ब्रेन आवर लाइफ को। आज हम बात करने जा रहे हैं, मेरे से कई लोगों ने सवाल पूछा था कि डिप्रेशन हो क्यों जाता है। पहले तो डिप्रेशन क्या होता है ये मेरे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे डिप्रेशन हो क्यों जाता है, क्या कारण है। तो डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से पांच कारण मैंने सेलेक्ट किए हैं और आपसे शेयर कर रहा हूं। ये पांच में से अगर कोई एक भी कारण आपके साथ हो गया तो आप डिप्रेसिव हो जाएंगे। तो इन पांचों कारण पे अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली इसको 60-70% आप रोक सकते हैं। तो चलते हैं जर्नी पे, जो वेलनेस जर्नी है, कि समझने के लिए कि डिप्रेशन को रोकने के लिए कौन से पांच कारण हमारे को अवॉइड करने चाहिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपसे यूजफुल वीडियो शेयर कर सकें। तो पहला क्या कारण है, पहला कारण है स्ट्रेसफुल इवेंट। किसी की लाइफ में अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, मान लो किसी की डेथ हो गई, और वो आदमी उस डेथ के इमोशंस को रिलीज नहीं कर पाया, आपके नियर एंड डियर है, जो भी नियर एंड डियर है, अगर उसकी किसी की डेथ हो गई और आप उस इमोशंस को रिलीज नहीं कर पाए, आप 100% डिप्रेसिव हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपने सुना होगा या कहीं बड़े बुजुर्गों से एक चीज समझी होगी, वो कहते हैं ना किसी की डेथ हो जाए तो इसको रुला दो जो आदमी नहीं रो रहा, वो इसी वजह से बोलते हैं। उसका लॉजिक यही है कि आप अपने इमोशंस को रिलीज कर दें। अगर आपने इमोशन रिलीज नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा सोशली, आप सोशली कहीं गए, वहां पे ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया जो आपको बहुत ही बैडली जिसने इंपैक्ट कर दिया, आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे, तो भी आप डिप्रेसिव हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी इवेंट स्ट्रेसफुल जो माइंड में है वो इमोशनली रिलीज हो जाना चाहिए। आप खुद कर सकें तो बहुत बढ़िया, वरना आपको प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से दूर हो जाता, देयर आर द प्रॉपर थेरेपी फॉर दिस। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें स्ट्रेसफुल इवेंट को अवॉइड करना है। नंबर दो, पॉइंट नंबर टू, हार्मोनल इंबैलेंस। ये दो तरह से होता है, एक तो हमारे थॉट जो बार बार चेंज होते हैं उनसे, इंपल्सिव बिहेवियर से, और कभी कभी हमारे खाने पीने की चीजें से, फूड से, और कभी कभी बायोलॉजिकल चेंजेस से। ये रीजन है जिसके हमारे को हार्मोनल इंबैलेंस होता है। इसमें दो चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी है, एक तो उसमें सीरोटोनिन, दूसरा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन और सीरोटोनिन ये दो ऐसे केमिकल हैं जो बॉडी में हमारे सारे इमोशंस को हिलाते हैं, ऐसे हम शेक बनाते हैं ना, पूरा हिला देते हैं। इनमें से एक भी कम ज्यादा हुआ तो हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा। और ये पता कैसे चल सकता है, बहुत ही आसान है, आप ज्यादा खाने लगेंगे या बिल्कुल खाना छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा, वेट गेन करने लगेंगे, वेट लूज करने लगेंगे, ओवर बोलने लग जाएंगे, एक्सट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, या इंट्रोवर्ट बिल्कुल ही घर में बैठ जाएंगे, इसको बोलते हैं ना घर घुसू हो गया जी, ये तो बहुत ज्यादा। ये कुछ सिम्टम है, बहुत सारे सिम्टम में से मैंने बिल्कुल सिलेक्ट करके कॉमन सिम्टम दिए हैं आपको। तो अगर ये है तो इसके दो ऑप्शन है, वन आप अपनी थॉट को चेंज करिए, दूसरा किसी मेडिकल डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए, वो कोई ना कोई मेडिसिन दे देगा आपको जिससे बैलेंस हो जाएंगे। और साथ में आपको थॉट चेंज करने के लिए अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए, हु कैन हेल्प यू विद दिस।
तो ये दो पॉइंट हो गए क्लियर हमारे। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? फैमिली हिस्ट्री। अब हम कहते हैं ना जी मेरे पापा को शुगर थी, अब मेरे भी शुगर हो जाएगी। भाई ये तो गारंटी नहीं है कि शुगर आपको होगी या नहीं होगी, लेकिन डिप्रेशन जरूर हो जाएगा। अगर पेरेंटल डिप्रेशन काफी हैवी है, L4 लेवल पे गया हुआ है, वो टेस्ट में पता लग जाता है, तो बच्चे को जो 12 साल उसके साथ मैक्सिमम रहे, कई बार ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत तेज है। हम देख पा रहे हैं कि मियां बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स कई बार हेल्प करते हैं। अगर उनमें से भी किसी को होगा तो भी बच्चे में आ जाएगा। तो एक जनरेशन नहीं, दो जनरेशन पे इंपैक्ट डाल रहा है। और इसका पता कैसे चलेगा? इसका टेस्ट आता है एक फैमिली का, वो आप टेस्ट करा सकते हैं किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, वो हेल्प कर देगा आपकी। और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है या उस टेस्ट में ऐसा कुछ होता है तो आपकी फैमिली के अंदर ये इम्पैक्ट मूव कर रहा है, जैसे वेव्स मूव करती हैं या पानी का फ्लो मूव करता है। तो जहां रोक देंगे इसे वहीं सतयुग है, ठीक है ना? तो जहां रोक देंगे वहीं आपका कंट्रोल हो जाएगा, बच्चे अच्छे सेटल हो जाएंगे। वरना कई बार हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि हमने भी सब कुछ कराया था बच्चों को, लेकिन हमारे पड़ोसी के बच्चे तो बहुत अच्छे सेटल हो गए। तो आपने शायद ये नहीं देखा होगा, कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं थी। फैमिली हिस्ट्री में एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, किसी ने भी अगर सुसाइड किया होगा तो जरूर चेक करा लीजिए, वो भी पास ऑन होता है। तो फैमिली पूरी हिस्ट्री को आप अच्छे से चेक करा लें किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। अगर उसमें कुछ चेंजेस वो सजेस्ट करता है करिए, इट इज वेरी गुड फॉर यू एंड यू कैन ग्रो योर लाइफ वेरी वेल। तो हम आप चौथे पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, विच इज दैट लैक ऑफ सोशल स्किल। ये आजकल इंडिया में ज्यादा है, फॉरेन में कम है। हम हर चीज को पहले मजाक में लेते हैं जब तक कि वो हमारे साथ ना हो जाए, समझ रहे हैं ना? किसी ने बोला मेरी बॉडी में बहुत पेन होता है, हम डॉक्टर ने बोला इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है, ये ना रॉन्ग कर रहा है, फालतू के ड्रामे कर रहा है, वो डिप्रेसिव हो सकता है। वो रीजन है, बॉडी माइंड आपको बता रहा है। क्राई करता है एक आदमी, डिप्रेसिव हो सकता है, राइट? और सबसे बड़ी बात, मूड स्विंग होते हैं बार बार उसके, सडनली मैनिक हो जाता, सडनली सैड हो जाता, तो भी डिप्रेसिव हो सकता है। तो हमें इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सोशल सपोर्ट देनी चाहिए, बल्कि हम क्या करते हैं उसकी लेग पुलिंग ज्यादा करते हैं, नहीं करनी चाहिए। हमें प्रॉपर सोशल सपोर्ट देनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए उसको रिकवर कराने के लिए, उसको गाइड करना चाहिए। और हमें लगता है हम नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, वो आपकी हेल्प करेगा इसमें, लेकिन लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, वरना ये बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तब आपके पास सिम्टम आते हैं, कैसे सिम्टम? ओसीडी हो जाता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सुसाइडल थॉट बढ़ जाते हैं, फिर हमें चिंता हो जाती है बच्चों की भी और बड़ों की भी। तो वहां उस स्टेज तक मत जाने दीजिए, पहले रोक दीजिए और उसको बिल्कुल सीरियस लीजिए, इसको ऐसे मजाक मत कीजिए, इसके साथ हवा में मत उड़ाइए। फोर्थ पॉइंट क्लोज किया हमने, फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, लर्नड हेल्पलेस गिल्ट। जो हमारी गिल्ट है, कोई ऐसी गिल्ट हमने बचपन में कर दी या जॉब में कर दी, ठीक है? जैसे आपका, मान लो बहुत ही आसान आसान एग्जांपल देता हूं, आपका मोरल आप नकल मार के कभी पास नहीं हुए, लेकिन एक जगह आपने नकल मारी और आप पकड़े भी नहीं गए और पास भी हो गए, वो बहुत अच्छी जॉब मिल गई आपको, पर कई बार गिल्ट आएगा, ये मैंने अपनी कैपेबिलिटी से नहीं ली, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, कभी कभी हम ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमारे संस्कार के विरुद्ध है, बचपन में कर सकते हैं, इमोशन में कर सकते हैं। आजकल तो टीवी पे सुशांत एंड पार्टी के केस बहुत चल रहे हैं, ऐसा कुछ हमने कर दिया और हमने छोड़ भी दिया, लेकिन उसकी गिल्ट को नहीं छोड़ा, उसको हमने कैरी किया, तो ये डिप्रेशन को क्रिएट कर सकता है। और हमें इससे बिल्कुल बचने की सख्त जरूरत है।
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा क्लियर रीजन है। अगर हम इसको फॉलो करते रहेंगे, बार बार इसके अंदर घूमते रहेंगे, तो एक दिन तो माइंड को इतना स्ट्रेसफुल बना देगा ये कि हम डिप्रेसिव हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर, सिंपल। तो ये फाइव पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए। अगर ये पांच पॉइंट आपने कंट्रोल कर लिया अपनी लाइफ, तो आप यकीन मानिए आपने बिल्कुल बड़े वाला ताला लगा दिया है। 60-70% डिप्रेसिव आप कभी नहीं हो सकते। इस बारे में कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, और तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।